नमस्कार दोस्तों, आप सोचते ही होंगे कि अलग अलग स्थान पर बारिश अलग अलग होती है। किसी स्थान पर ज़्यादा बारिश तो किसी स्थान पर कम बारिश, ऐसा क्यों? इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ऐसा क्यों होता है और बारिश की बूंदें कैसी बनती है। तो इस वीडियो को पूरा तक जरूर देखें। यदि इस चैनल में आप नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। जैसा कि हम जानते हैं कि पृथ्वी पर बारिश पानी के बूंदों के रूप में होती है। आसमान में बादलों से बरसने वाले पानी को ही बारिश कहते हैं। पृथ्वी की सतह से पानी वाष्प बनकर ऊपर उठता है और वापस ठंडा होकर पानी के बूंदों के रूप में बरसता है। सूरज की रोशनी हमारी पृथ्वी को गर्म करती रहती है, जिससे पानी का कण गर्म होकर वाष्प बनकर एक दूसरे से दूर जाने लगते हैं। यह वाष्प इतनी हल्की होती है कि धीरे धीरे यह आसमान की तरफ बहने लगते हैं। वाष्प ऊपर उठने के साथ ही ठंडी होकर एक दूसरे से तरल धारण कर लेते हैं और ये तरल पानी के छोटे छोटे कण के रूप में मिल जाते हैं और यह बादल कहलाते हैं। आप क्या जानते हैं, हर समय आसमान में लाखों करोड़ों टन पानी मौजूद रहता है। अगर यह पानी एक साथ धरती पर गिर जाए तो पूरे समंदर और पूरी ज़मीन को एक मीटर पानी के परत से ढक सकता है। यह फैक्ट जानकर आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट सेक्शन पर ज़रूर बताएं। यदि यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुँचे और आप कोई भी वीडियो से मिस ना हो। तब तक के लिए अलविदा, मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद।